Hello everyone, hi, I welcome you all to our channel that is Class Apart. So, बच्चा लोग जिनके पास Unacademy Learning app नहीं है, फटाफट install करो and get flat 10% off using my code APRI10. And I'm Anupriya, your social science educator here. And today we are going to discuss the second part of our super duper important chapter for the subject economics, that is people as resource. So yes, I think this chapter is quite critical and difficult for all the students here. So I think ये first part सभी बच्चों ने देख लिया होगा और आपके बहुत सारे doubts अब clear हो गए होंगे. But कोई बात नहीं, अब second part में बाकी जो आपके doubts हैं वो हम लोग clear कर लेते हैं. Now this is my छोटू सा introduction. Like I told you, I'm Anupriya, your social science educator. I've completed my post graduation in modern history from Miranda House, Delhi University. Mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th by the name Core History. यहाँ पर आपके लिए कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं बच्चों बाय अनअकैडमी हियर. सो बग्स बाउंटी इज़ वन ऑफ द फीचर्स हियर, जहाँ पर मान लो अगर आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. राइट, डिस्क्रिप्शन में आपके पास फॉर्म लिंक है, यू कैन फिल अप देयर. सो अगर मैं क्लास 9 के बैचेस की बात करूँ तो 4th October से आपके प्लस कोर्सेज के बहुत सारे नए बैचेस आ चुके हैं. इसमें आपका एक नया बैच है क्रैक टर्म 1 एग्जाम्स और एक कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर किए जाएंगे फॉर योर टर्म 1. तो फटाफट जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरा कोड याद रखना APRI10. उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सभी बच्चों को पता है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अपने 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सुपर डुपर अमेजिंग एडुकेटर्स के, सुपर डुपर अमेजिंग कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है सभी कोर्सेज के लिए. आप यहाँ पर कभी भी घर बैठे आराम से कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होती है, मेंटरशिप गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है. अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज APRI10. आपको यहाँ पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है अभी सब्सक्रिप्शन के लिए. सो प्लीज गो एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. 1,030 rupees आपको देना पड़ेगा पर मंथ, एंड दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस हियर. सो माय कोड इज APRI10 एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है. अगर मैं आइकॉनिक की बात करती हूँ तो प्लस के तो सारे फीचर्स हैं. उसके अलावा आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, लाइव डॉट सॉल्यूशन मिलेगा आपको बाय डाउट सॉल्वर्स, देन यू हैव वीकली रिपोर्ट आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, सुपर ऊपर इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स यहाँ पर मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी प्लानर तक. अभी जो अपना सबसे लेटेस्ट फीचर है, एक तो अपना है बच्चों राह, यानी कि रेज अ हैंड फीचर, वे यू गाइज कैन इंटरेक्ट विद द एडुकेटर इन द लाइव सेशन इटसेल्फ. आप ये यूज कर सकते हो और अपने एडुकेटर से मधुर ध्वनि अपनी सुनाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. यहाँ पर दूसरा अपना अमेजिंग फीचर आ रखा है 1-to-1 होमवर्क हेल्प. तो यहाँ पर अगर आपको अपने होमवर्क करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1-to-1 होमवर्क हेल्प का इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. आपके लिए एक एडुकेटर होंगे जो आपके सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आपको समाधान देंगे, सोल्यूशन देंगे. 12 months 2100 पर मंथ है आफ्टर डिस्काउंट. APRI10 इज माई कोड. हमेशा लंबे दूरी की सोचो, लंबे मील की सोचो, तो हमेशा 12 months से ऊपर का सब्सक्रिप्शन देख लो. पार्ट्स में पे करना है तो यहाँ पर 12 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लो, जीरो कॉस्ट EMI पे करो. अनअकैडमी एक्सपर्ट से आप कभी भी बात कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते बच्चों लोग. डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा अनअकैडमी प्रोफाइल का. फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, सर्च माई नेम अनुप्रिया एंड यू गाइज कैन फॉलो मी देयर फॉर सुपर डुपर अमेजिंग फ्री स्पेशल क्लासेस. दूसरा ऑफर आपके लिए है, यहाँ पर ITJEE और CBSE का कॉम्बो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है. ऑफर प्राइस है 68,682. उसके अलावा नीट UG के साथ भी आपका कॉम्बो ऑफर है. ऑफर प्राइस है 64,482. इनमें से जो भी आपको लेना है आप अपने कन्वीनियंस पे ले सकते हैं. यूज़ माई कोड कॉम्बैट. आप सभी बच्चों को पता है कि हर संडे को होता है 45 मिनट्स का, 30 क्वेश्चंस होते हैं. टर्म 1 के लिए अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा APRI10 इज माई कोड, जिससे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एनरोलमेंट. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप सारी बातें ध्यान में रखना बच्चों. अब हम सेकेंड पार्ट अपना शुरू करते हैं पीपल एज रिसोर्स का. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वी हैव सीन कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को एक कैपिटल फॉर्मेशन के सेंस में किस तरीके से हमने समझा कि प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है. सो वी गाइस टॉक्ड अबाउट द इंटरमीडिएटरी थिंग्स हियर वेयर वी वर लर्निंग अबाउट एजुकेशन, वी वर लर्निंग अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज, वी आर लर्निंग अबाउट ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जिसमें कि आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल भी देखा सकाल और विलास का, who were living in the same villages, और किस तरीके से एक को एजुकेशन मिला, सो हाउ ही सॉ हिमसेल्फ और ही वॉज एन एसेट टू द कंट्री एंड द फैमिली. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर चाइल्ड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडिक्वेट एजुकेशन ही वॉज नॉट एबल टू यू नो
go and read higher or have higher education here. So basically he started working with his mother and therefore वो काफ़ी मेगरी सैलरी उसको मिलती थी एंड इस लो सैलरी के साथ जो उसका डेवलपमेंट था वो भी स्लो होता गया. सो समवेयर ही वॉज सीन एज अ लाइबिलिटी इन दैट एग्जाम्पल. तो ये जो डिफरेंस है ये हमने समझ लिया है. साथ ही साथ एक और पॉइंट जो मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट द वर्चुअस एंड द विशियस साइकिल, जो कि अगर आप सकाल और विलास के एग्जाम्पल को देखोगे तो उसी में आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा अपना फॉर्मेशन है, कौन सा अपना साइड है जिससे अपना विशियस साइकिल बनता है और कौन सा अपना एग्जाम्पल है जिससे अपना वर्चुअस साइकिल बनता है. सो इफ आई आस्क यू गाइज दिस क्वेश्चन वॉट वुड बी योर आंसर, यू विल बी सिंपली सेइंग दैट मैम जब हम वर्चुअस साइकिल की बात करते हैं इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी इन सम सेंस. वर्चुअस कहने का क्या मतलब होता है कि एक ब्लेसिंग की तरह है ना. तो ब्लेसिंग यानी कि मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव सेंस में हम उस पॉइंट को देख रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम साकाल के एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों, तो हमने देखा दैट हाउ साकाल उनके जो पेरेंट्स थे दे इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन एंड हियर जो उनके छोटे भाई बहन थे वो भी अपना खेलते कूदते थे एंड दे वर हेल्दी हैप्पी फैमिली थे और मम्मी पापा दोनों वर्किंग, मतलब मम्मी डोमेस्टिक चोर्स के ऊपर फोकस करती थी, पापा जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जाके काम करते थे, बट स्टिल दे फोकस्ड एंड दे एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दैट साकाल वॉज गेटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज एबल टू गेट अ गुड जॉब बाई अटेनिंग हायर एजुकेशन इन स्कूल एज वेल एज कॉलेजेस, राइट. तो ये वाला पॉइंट हमें देख कर क्या समझ में आता है, वेन एडुकेटेड पेरेंट्स और लेट्स से वेन पेरेंट्स आर heavily investing in the education, medical care and technical skills of a child, for the development of technical skills of a child, तो वो अपना एक virtuous cycle बनता है. लेकिन वही अगर हम लोग विलास के example से देखें तो हमें विलास के example से क्या समझ में आता है, that he was a patient of arthritis, his father died at when he was of a very young age and then the sole bread earner of the family was the mother. तो यहाँ पर विलास के पास ज़्यादा option था नहीं and he could not educate himself, उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, right? So because of the lack of these opportunities here, he had to work with his mother. तो यहाँ पर क्या होता है, when parents they are not able to, you know, invest in the education or health facilities of a child, तो ये हमारा vicious cycle बन जाता है, something that is bad, something that is dangerous in a sense, right? So एक तरफ हम asset के बारे में बात करते हैं, एक तरफ हम liability के बारे में बात करते हैं. Now learning about all the examples here, एक point तो हमें समझ में आ गया है that if we are talking about human resource, it means that agar kisi country mein, right, jaise aapko Japan ka example bataya tha humne last session mein, so we saw that in Japan how the government they invested heavily on the human resource. Kyun bhai? Kyunki wahan pe adequate natural resources available nahi the, but still today we'll see that Japan is one of the most developed nations all over the world. क्यों? बिकॉज वहाँ पे जब हम ह्यूमन रिसोर्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पॉपुलेशन के क्वालिटी की बात करते हैं, इट्स अप टू मार्क इन सेंस दैट एवरीवन इज एजुकेटेड, ऑल दोज एजुकेटेड पीपल दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट बहुत ही अच्छा रीजन है वो, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स लोगों के पास काफ़ी है, जो कि आप बहुत कुछ, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आप देखते हो, MNCs देखते हो, वो देखते हो कि या तो जापान, मेड इन जापान वाला सीन है, नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज में आप देखोगे कि बहुत सारा प्रोडक्शन जो है जापान से ही होता रहता है बहुत सारे बड़े कंपनीज में, राइट. सो समवेयर वी सी दैट वहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर मैन पावर जो है या फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है, डेफिनेटली इट्स अ लॉट बेटर. सो जब हम बात करते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ population, there are on three things, three determinants जिस पे अपना ये पूरा quality पूरे population का यहाँ पर क्या करता है, vary करता है या फिर dependent है. So the first one being education, the second one being health and the third one being the skill acquired. तो यहाँ पर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, सो अगेन साकाल के एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है दैट एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स टेक अस बैक टू आवर एग्जाम्पल. जब साकाल के एग्जाम्पल में मान लो कि आप बच्चे अपने आप को यहाँ पर डालो, राइट, आपके मम्मी पापा आज के डेट में आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं ऑन एजुकेशन, ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, दे वांट दैट यू गाइस शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड यू शुड बी स्टडिंग ताकि आगे जाके अच्छे स्कूल में एडमिशन होगी, है ना, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. सो किसी दिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो फिर आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता, अगर आप एक पूरा दिन स्कूल के क्लासेस को मिस कर जाते हो तो थोड़ा बैकलॉग हो जाते हैं कि नहीं. अब मान लो कि हमेशा ही आप बीमार रहोगे तब आप स्कूल नहीं जा पाओगे, अगर स्कूल नहीं जा पाओगे तो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना हेल्दी माइंड इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट हियर,
कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना लिखना है तो आपका माइंड काफी हेल्दी है, आप फिजिकली और मेंटली काफी फिट होने चाहिए. तो एक तरफ एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, राइट? सो एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री हियर. दैट लीड्स टू न्यू होराइजंस और एस्पिरेशंस. इट सेट्स एस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर. कि मान लो आज के डेट में आपको साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपको मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सोशल साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपका इसी बहाने एस्पिरेशन सेट होता है कि आगे जाके मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये बन सकती हूँ. आपकी कुछ हॉबीज, कुछ सेट ऑफ स्किल्स है जो आप यहाँ पर इनकलकेट करते हो, राइट? एंड ऑल्सो इन लॉन्गर टर्म इट इज enhancing the national income and the cultural riches of any particular place. Kya hota hai ki maan lo ki ek time ke baad, jaise for example if we talk about me, to aap bachcho ko main padha rahi hu, I am earning a certain amount of money here, right? So somewhere I am also helping in the development of the country, economic development bhi ho raha hai. So I can be treated as a human resource. Aap abhi padhne wale stage mein ho, क्या आप वर्किंग कैपिटल में आए हो? नहीं ना. सो वर्किंग कैपिटल का तो एक तो आपको एज अभी मुझे बताना है, बाकी आपको ये भी समझना है कि राइट नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लर्न, लर्न एज मच एज यू कैन, सो दैट यू गाइज कैन ग्रो अप टू बी अ यू नो हेल्दी सिटीजन एज वेल एज एन एडुकेटेड सिटीजन एंड डू अ लॉट गुड फॉर योर सेल्फ एंड द कंट्री इटसेल्फ, राइट? सो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं बच्चों, तो एवरी वन नोज कि हमारे कंट्री में भी इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सोशल इनइक्वलिटीज की बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज की बात करें, पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज की बात करें. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए स्कीम्स को लॉन्च करने की बात की इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. अभी टर्म्स ऑफ एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं? वी कैन टॉक अबाउट सर्व शिक्षा अभियान. नाउ एवरीवन हैज लर्नड अबाउट सर्व शिक्षा अभियान. अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो. सर्व शिक्षा अभियान में क्या होता है? दैट एवरी चिल्ड्रन, क्या होता है कि अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे, सो वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु कैन नॉट इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास उतनी सैलरी नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिक्शा पुलर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेली वेज अर्नर, सो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के खर्चे के लिए या फिर उनके ट्यूशन के लिए, उनके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए उतना इन्वेस्ट कर पाए. सो यहाँ पर गवर्नमेंट कम्स इनटू द प्ले. कैसे? उनका ये जिम्मेदारी होता है, उनकी ये जिम्मेदारी है दैट दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द एजुकेशन ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज और द बैकवर्ड एरियाज. तो यहाँ पर जो मेन एम था इस स्कीम्स में, सो इट वॉज दैट प्रोविजन वॉज टू बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन. सो अगर मैं 6 से 10 के बीच की बात करती हूँ, तो यहाँ पर बच्चों को इस एज में जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो प्रोवाइड करने की यहाँ पर नई स्कीम लॉन्च हुई. अब दूसरा यहाँ पर एम्फेसिस था ऑन गर्ल्स. क्यों भाई? क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे बच्चों, तो आप एक चीज और देखोगे दैट द माइंड सेट, जैसे पुराने जमाने में जो क्या माइंड सेट था, राइट? जो ट्रेडिशनल माइंड सेट था बच्चों, मेल इन द सोसाइटी दे वर सीन एज एन एसेट एंड वुमेन दे वर सपोज टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड्स. ठीक है, तो अगर किसी बच्चे की बात करते, वो जो स्टीरियोटाइप था दैट वॉज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, सो देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. हमेशा क्या होता था कि दैट द बॉय वॉज सीन एज एन एसेट, कि ये घर में रहेगा और इनकी वजह से खर्चा भी चलेगा, सो लेट अस इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द बॉय चाइल्ड. और गर्ल चाइल्ड के लिए उस एज अ बर्डन देखा जाता, एज अ लाइबिलिटी देखा जाता था. सो देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, राइट? सो इस चीज को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए स्कीम्स लाए, वेयर दे स्टार्टेड प्रमोटिंग द फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर लिविंग इन द बैकवर्ड एरियाज, राइट? अब कैसे किया गया था? तो एक तो तरीका था कि भाई सर्व शिक्षा अभियान है, हर एक जगह पे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन किया जाएगा, ये प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे भी देखा जाएगा, इसको सेकेंडरी लेवल पे भी देखा जाएगा. तो आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू जो आपके गवर्नमेंट टीचर्स है हु आर टीचिंग ऑल दी स्टूडेंट्स हियर हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एबल टू गेट एजुकेशन इन अ गुड प्राइवेट स्कूल इन दैट सेंस, राइट? सो यहाँ पर उसके अलावा आपके बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का भी सेटअप किया गया, नवोदय विद्यालय जो आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स में देखोगे. दिस इज अनदर गुड एग्जाम्पल टू शो दैट हाउ गवर्नमेंट हैज टेकन द इनिशिएटिव टू एडुकेट द चिल्ड्रन इन दीज एरियाज. अब इसके लिए क्या किया गया भाई? बजट सेट किया गया. अब एजुकेशन में इन सब चीजों में अगर खर्चा करना है तो आपको पहले
पहले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको एक बजट भी तैयार करना पड़ेगा, आपको स्कूल्स बनाने होंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने होंगे. सो यहाँ पर आप देखोगे 2021 तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग रखी, यहाँ पर जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट का काम था, बजट था, वो ₹151 करोड़, नाउ इट इंक्रीज टू 99,300 करोड़ इन 2020 and 2021. अब इसी वजह से देखो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर. मान लो कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो समवेयर उसका रिजल्ट हमें कहीं तो कहीं दिखेगा ही. तो अपना जो जीडीपी है कंट्री का, दैट आल्सो रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 52 टू 3.1% इन 2019 and 2020. ठीक है, तो ये पॉइंट है, वो सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखना है. उसके अलावा अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर हम एजुकेशन के सेंस में देखते हैं तो कौन सा वो पैरामीटर है जो अपने कंट्री में बताता है दैट हाउ मच पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है मेल का, फीमेल का, इंडिविजुअली या इन टोटल, दैट इज लिटरेट. तो लिटरेट हम किसको कहते हैं बच्चों? सो एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 7 हु कैन रीड और राइट, वैसे लोगों को हम लिटरेट कहते हैं. और उसी के बेसिस पे हम अपना लिटरेसी रेट निकालते हैं अपने कंट्री में. ठीक है, तो अगर आप देखो कि यहाँ पर 18% से 85% का जंप हुआ है 2017 में बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वाज मेड इन दिस सेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ राइट, यहाँ पर आपको देखना है दैट इट इज इंपॉर्टेंट और द बेसिक नीड फॉर द सिटीजन एज वेल, ताकि वो अपने ड्यूटीज को समझे, वो अपने राइट्स को प्रॉपरली यहाँ पर एक्सरसाइज कर पाए या फिर इंजॉय कर पाए, राइट. लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे सो यहाँ पर जब भी अगर मेल या फीमेल लिटरेसी रेट को आप यहाँ पर क्या करोगे, किसी भी स्टेट का आप देख सकते हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर सकते हो करते हो, उस स्टेट का भी आप यहाँ पर क्या करो, डेटा निकाल कर देखो कि आपके स्टेट में मेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है. तो उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा गोइंग बैक टू द टाइम वेयर वी सी दैट पीपल दे वर हेवली इन्वेस्टिंग और लेट्स से दे ओनली वांटेड दैट द मेल चाइल्ड शुड बी यू नो गेटिंग द एजुकेशन हियर. अब यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस अपना जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो अपने केरला स्टेट का है, और जो आप देखोगे यहाँ पर अपना लोएस्ट है वो समवेयर इट इज इन बिहार. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, ये सब जो बेसिक पॉइंट है ना, वो आपको ध्यान में रखना होगा. अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो उसका सेटअप आप डिफरेंट एरियाज में देख सकते हो. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट लिटरेसी, वी हैव लर्न दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइट बट ऑल्सो दैट एवरीवन शुड बी एंजॉइंग देयर बेसिक राइट्स. ठीक है, ये अपना डिफरेंट रीजन में वैरी करता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से टॉप 5 गवर्नमेंट के एजुकेशन स्कीम्स है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के आपको ये ध्यान में रखना होगा. सो शिक्षा सहयोग योजना है, साक्षर भारत है, देन वी हैव सर्व शिक्षा अभियान, वी हैव एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन लो लिटरेसी पॉकेट्स एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. अब ये जो स्कीम्स है ये क्यों यहाँ पर लॉन्च किया गया, ताकि यहाँ पर जो पुअर सेक्शन में, बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एरिया जो आपके यू नो लो लिटरेसी रेट में ये सब एरियाज आते हैं, वहाँ पे लोगों को जागरूक करना पड़ता है क्योंकि वो फुल्ली अवेयर नहीं होते, उनको नहीं पता कि इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है. तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव्स लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान में भी द बेसिक आइडिया वॉज टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन दैट वर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, और ये 2010 तक ये करना था. ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट का ये आइडिया था. नाउ दिस वाज एन इनिशिएटिव जो कि क्या था, टाइम बाउंड था, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप था स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ. तो आज अगर आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाओगे तो वहां भी आप देखोगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे प्राइमरी और यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल्स यहाँ पर ओपन किए गए. अभी कम्युनिटी का ये मेजर गोल क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट एवरी स्टूडेंट हु इज एट द एज ऑफ 6 to 14 years उनके पास यहाँ पर फ्री एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए. साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिड डे मील स्कीम का भी लॉन्च किया. क्यों किया था, क्योंकि अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत टाइम तक क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस उन तक पहुंचने में और उसको इंप्लीमेंट कराने में, कि लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाई है और आपको यहाँ पर इसके तहत क्या करना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है. सो देर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु अग्री विद द आइडिया बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अगेन हेजिटेंट विद दैट आइडिया, क्योंकि उनके मन में कुछ स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि नो आई विल कीप माय चाइल्ड एट होम एंड शी हैज टू लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, राइट. तो यहाँ पर जो नेट अटेंडेंस रेशियो था, मतलब कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर टर्निंग अप, ठीक है, अटेंडेंस क्या, जैसे आपके स्कूल में आपके फर्स्ट पीरियड में आपका अटेंडेंस लगता है ना, तो वैसे वहाँ पे स्कूल में जो बच्चे प्रेजेंट थे ऑन डेली बेसिस वो भी अपना उतना रेशियो जो है उतना बढ़ा नहीं था.
सो मिड डे मील स्कीम का भी यहाँ पर लॉन्च किया गया. क्यों किया गया? सो इट वॉज डन टू इनकरेज द अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन. एक तो लोगों को यहाँ पर खाना भी मिलेगा कि आप स्कूल में जाओगे तो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, वहां पर आपको खाना भी मिलेगा, तो आप खाना भी साथ में खा सकते हो, राइट? सो ये क्यों किया जा रहा था? ताकि बच्चे टर्न आउट हुए स्कूल में, यहाँ पर अटेंडेंस यहाँ पर बढ़े और यहाँ पर रिटेंशन हो बच्चों का, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. सो दीज पॉलिसीज कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से मिड डे मील स्कीम में आप देख सकते हो, सबसे पहले ये तमिलनाडु से लेके बहुत सारे स्टेट्स में इसको यहाँ पर इंकरेज किया गया. और अगर आज आप डेटा देखो तो समवेयर यहाँ पर आप 11.98 करोड़ का है, ठीक है, एक लमसम आइडिया जो है. फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अप्रूव फॉर मिड डे मील स्कीम, तो यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हो, ये जो आपको ऑरेंज कलर है 80% यानी कि 9.8 करोड़, 58 करोड़ का है, और ये आपका 76.8 है, ठीक है. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु अवेल, यहाँ पर कितने बच्चों को ये मिल पाया, कितने बच्चे स्कूल गए और उन्होंने मिड डे मील स्कीम में अपना यहाँ पर क्या किया, एनरोलमेंट करके वो स्कूल जाने लगे. अब अगर हम देखते हैं अबाउट द लिटरेसी रेट, आप बच्चों को जैसे बताया कि केरला में सबसे ज्यादा है, फिर इधर मिजोरम आप देख सकते हो, उसके अलावा त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, और मिड डे मील स्कीम का कवरेज भी आप देख सकते हो कि हर एक स्टेट में कितने परसेंटेज पे हुआ है. नाउ दिस इज वन होमवर्क दैट यू गाइस कैन डू, इज कि अपने अपने एरिया में अपने अपने स्टेट का आप यहाँ पर कवरेज निकाल सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, लिटरेसी रेट कितना है, मिड डे मील स्कीम के तहत कितने यहाँ पर बच्चे आए स्कूल में और कितनों को कवर किया गया. सो दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू गाइस कैन रिमेंबर हियर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया अबाउट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसके बारे में आप बुक में भी देख सकते हैं. तो वो हायर एजुकेशन में यानी कि इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स इट इज अराउंड 26.3%. ये जो डेटा है ये अगेन आपके टोटल अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पे आया, राइट? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द पॉइंट दैट वी हैव रेड अबाउट एजुकेशन. अभी एजुकेशन के अलावा दूसरा अपना डिटरमिनेंट या फैक्टर क्या था? हेल्थ. हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? सो हेल्थ इज डिफाइंड दैट हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. अभी आप बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव द टेंडेंसी टू फॉल इल, मतलब कि हमेशा एकदम लेजी लेजी फील करते हो, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, पढ़ाई के टाइम पे नींद आती है. डू यू थिंक दैट यू गाइस आर हेल्दी एनफ? नहीं ना, आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते उस मोमेंट में. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर हेल्दी वही लोग होते हैं, वही बच्चों की बात हो रही है जो यहाँ पर तंदुरुस्त भी होते हैं, मेंटली फिजिकली फिट होते हैं, और उसके बाद वो स्कूल में भी मन लगा के पढ़ाई करते हैं, घर आके भी बहुत ज्यादा थकान हुई तो सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो अपने रूटीन में लगे रहते हैं. सो अगर वो टेंडेंसी है कि आपकी बॉडी को जल्दी, मतलब कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो समवेयर आप अनहेल्दी चाइल्ड बन जाते हो, है ना, राइट? सो यहाँ पर हेल्थ अगर हमारा अच्छा नहीं होता है तो हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, राइट? सो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ कंडीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, ऑब्वियसली वी नो दैट ओनली हेल्दी पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज एन एसेट. बाकी अगर मैं अनहेल्दी पॉपुलेशन की बात करूँ कि एक कंट्री में जहाँ पे लोग बेसिकली उनको बीमारियां हो रही है, तो वो कंट्री क्या है, वहाँ की जो पॉपुलेशन हो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएगी. सो इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अवर पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी फॉर द कंट्री. नाउ व्हाट इज द एम हियर? इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस एज वेल, विद स्पेशल फोकस ऑन अंडरप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. अब ऐसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ पे उनको खाने पीने का ठीक से नहीं मिलता है, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलती है, वो उस सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं. लेकिन क्या एक्चुअली में वो लोग हेल्दी लोग हैं? नहीं ना. तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझना है. लेकिन किसी कंट्री में हम हेल्थ को कैसे यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि कोई कंट्री हेल्दी नेशन है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, और बाकी आपको तीन कैटेगरीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. एक अपना होता है IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एक होता है अपना बर्थ रेट, और एक होता है अपना डेथ रेट, राइट? सो अगर आप ये डेटा देखोगे, ये हमारे कंट्री में बताया जा रहा है कि कितने हॉस्पिटल्स यानी कि SCPSC जो कि हमारे रूरल एरियाज में है, तो क्या आपको कुछ इंक्रीज दिख रहा है? हाँ, हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज तो दिख रहा है 2014 से 2018 के बीच. अगर हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज की बात करें तो इसमें हमें थोड़ा सा मिलीसेकंड इंक्रीज दिखा है. बेड्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा इंक्रीज दिखा है. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक इंक्रीज है. तो यहाँ पर अगर आप इस डेटा को देखते हो तो आपको एक थोड़ा स्लो इंक्रीज तो नजर आ रहा है, बट इज इट एनफ फॉर अ कंट्री ऑफ अ बिगर साइज लाइक दिस विद अ लार्जर पॉपुलेशन दैट इज लिविंग इन आवर कंट्री? सो हमारा जो IMR होता है बच्चों, और जो हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट होता है, दैट इज डिफाइनिंग कि हमारे कंट्री का न्यूट्रिशन स्टेटस या हेल्थ स्टेटस कैसा है. IMR क्या होता है?
So we are talking about the number of child who die before the age of 1 per 1000 children that are born in a particular period, ठीक है? फिर birth rate की बात करें तो number of birth per 1000, उसके अलावा death rate की बात करें तो number of death per 1000. तो हमारी country में मान लो कि अगर death rate बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप उस country को कहोगे कि वो healthy nation है? नहीं ना? अगर हमारी country में, अगर हम कहते हैं कि हमारी country का IMR rate जो है वो कम है, मतलब कि हमारा कंट्री हेल्दी नेशन में, मतलब कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर डाइंग बिफोर द एज ऑफ वन दे आर लेस, इट मींस दैट कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर है, और यहाँ पर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैज बीन इन्वेस्टिंग. तो इस तरीके से हाई और लो के बेसिस पे हम कंट्री के हेल्थ स्टेटस के बारे में भी पता कर सकते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज देयर इन द बुक इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. अभी अनएम्प्लॉयमेंट इज अगेन अनदर इशू जिसके ऊपर हमें फोकस करना है. अब देखो बच्चों की जब भी हम आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया जिसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ रखा है ना, तो जब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की इन जनरल बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी समझना है. Unemployment क्या होता है? तो basic definition है that it is said to exist when people who are willing to work at the going wages but they are not able to find a job. मतलब कि it is a state of being jobless. कि आप अगर graduation, post graduation कर रहे हो, engineering कर लियो, आपने MBBS कर लिया, but उसके बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है, job opportunities नहीं create हुए. It means that you are unemployed. So when we are talking about a situation where a person is not able to find any job. हमारे कंट्री में जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइंग बिटवीन द एज ग्रुप दैट इज 15 इयर्स टू 59 इयर्स, ये हमारे कंट्री का वर्कफोर्स पॉपुलेशन है. जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं अपने कंट्री में, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है सीजनल और दूसरा होता है डिस्गाइज्ड. अब इंडिविजुअली हम सीजनल और डिस्गाइज्ड के बारे में समझ लेते हैं. तो जब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इट मींस दैट वी आर सीजनल, मतलब क्या होता है, मतलब कि आपने हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाए हैं, कि जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम में आपने मैंगोज बहुत खाए हैं, राइट, रेनी सीजन में लीची बहुत खाए, तो आप कहते हो कि हाँ ये अपना जो है अपना सीजनल फ्रूट है. तो सीजनल मतलब कि कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए हम उन फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं, है ना. तो वैसे ही होता है अपना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि कुछ एक साल में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो आप देखोगे कि कुछ वर्कर्स के पास काम नहीं होता है कम्प्लीटली. सो दे आर डिवॉइड ऑफ जॉब्स, उनके पास काम नहीं है, तो डेफिनेटली दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग जॉबलेस. So this is a seasonal unemployment. और ये देखोगे तो ये generally आप देखोगे तो rural areas में होता है and it is only happening with the farmers. कि जो farmers होते हैं वो पूरा agricultural year तो लगातार काम नहीं करते हैं. अब मान लो कि वो एक कुछ पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको उस फील्ड में कुछ काम होगा, फिर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा, मंथ्स होंगे, जहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं होता है. तो वो उस तरीके का जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों, वी कॉल इट एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है, डिस्गाइज्ड का मतलब होता है अपीयरिंग टू बी समथिंग दैट वी आर नॉट. सो यहाँ पर डिस्गाइज की जब हम बात करते हैं, इन दिस केस वी सी दैट पीपल दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. अब क्या होता है कि अगर मैं एक फील्ड की बात करती हूँ, लेट्स से कि एक अपना छोटा सा फील्ड है और इस फील्ड में मुश्किल से अगर 5 लोग काम करें ना, तो अपनी इस फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए वो अपनी निकल कर आ जाएगी, मतलब जितना क्रॉप ही चाहिए वो 5 लोगों के काम से निकल कर आ जाएगा. लेकिन इसी फैमिली के 3 लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, तो उन्होंने सोचा यार खाली खाली बैठे बैठे क्या करें, चलो ठीक है हम भी इस फील्ड में थोड़ी मदद कर देते हैं. तो 3 एक्स्ट्रा लोग इस फील्ड में काम करने आ गए. अब 5 लोग जो अपने पोटेंशियल से काम कर रहे थे, 8 लोग जब बन जाएंगे तो डेफिनेटली सबका जो काम करने का रेशियो होगा वो भी घट जाएगा. मतलब कि यहाँ पर 3 लोग जो आए वो ऐसा नहीं है कि कुछ वो काम कर रहे लेकिन प्रोडक्टिविटी में कुछ ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मेरा लैंड तो लिमिटेड है. अभी लैंड लिमिटेड है तो उसमें जो क्रॉप यील्ड होगा वो भी लिमिटेड होगा, है ना. तो यहाँ पर जो 3 लोग आए वो काम तो कर रहे हैं लेकिन मिल के जो आपके 8 लोग की प्रोडक्टिविटी होगी वो 5 लोग की प्रोडक्टिविटी के बिल्कुल बराबर होने वाली है. तो 3 लोग काम करने आए हैं, दे आर अपीयरिंग टू बी एम्प्लॉयड, लेकिन प्रोडक्टिविटी अपना नील बटे सन्नाटा, दैट इज कम्प्लीटली नील हियर. और यहाँ पर जो आपके 5 लोग हैं वो भी अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं. तो ये जो अपना सिचुएशन होता है बच्चों, इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वेयर द पर्सन इज अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट वो अपने पोटेंशियल से अगर कम काम करते हैं तो अपना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है. और अगेन ये भी आपको रूरल एरियाज में ज्यादा मिलेगा. उसके अलावा जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में आपका एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वेयर वी सी दैट अ पर्सन इज फुल्ली एडुकेटेड, मतलब कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग सब कुछ कर गया है, आपके पास फुल फ्लेज्ड डिग्रीज है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द लैक
lack of job opportunities या creation of jobs आपके पास वो job नहीं है, है ना, तो वो मेरा होता है educated unemployment. तो ये आपके तीन type of unemployment है rural और urban areas में जो यहाँ पर exist करते हैं. राइट बच्चों, सो हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया. आई रियली होप दैट सभी बच्चों को ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स लिख सकते हो. आई वुड बी हैप्पी सॉल्विंग दैट दोस डाउट्स. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन हियर. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड लेट्स क्रैक इट. सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय एंड टेक केयर.